बहुत कठिन माना जाता है और इसे बहुत सावधानी से किया जाता है। कहा जाता है कि जो भी व्रति छठ के नियमों का पालन करती है उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आज छठ महापर्व का दूसरा दिन यानी खरना मनाया जा रहा है। चार दिनों के महापर्व छठ की शुरुआत नहाए खाए से हो चुकी है, आज इसका दूसरा दिन है। खरना कार्तिक शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाया जाता है। खरना का मतलब होता है शुद्धिकरण, इसे लोहड़ा भी कहा जाता है। खरना के दिन छठ पूजा का विशेष प्रसाद बनाने की परंपरा है। इस दिन महिलाएं और छठ व्रती सुबह स्नान करके साफ सुथरे वस्त्र धारण करती हैं और नाक से माथे के मांग तक सिंदूर लगाती हैं। खरना के दिन व्रती दिन भर व्रत रखती है और शाम के समय लकड़ी के चूल्हे पर साठी के चावल और गुड़ की खीर बनाकर प्रसाद तैयार करती है। फिर सूर्य भगवान की पूजा करने के बाद व्रती महिलाएं इस प्रसाद को ग्रहण करती हैं। उनके खाने के बाद ये प्रसाद घर के बाकी सदस्यों में बांटा जाता है। इस प्रसाद को ग्रहण करने के बाद ही व्रती महिलाओं का 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू हो जाता है। मान्यता है कि खरना पूजा के बाद ही घर में देवी षष्ठी का आगमन हो जाता है। इस दिन व्रती शुद्ध मन से सूर्य देव और छठ माँ की पूजा करके गुड़ की खीर का भोग लगाती है। खरना का प्रसाद काफी शुद्ध तरीके से बनाया जाता है। खरना के दिन जो प्रसाद बनाता है उसे नए चूल्हे पर बनाया जाता है। व्रती इस खीर का प्रसाद अपने हाथों से ही पकाती है। खरना के दिन व्रती महिलाएं सिर्फ एक ही समय भोजन करती हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से शरीर से लेकर मन तक शुद्ध हो जाता है। न्यूज डेस्क INN।